मालिकों की कल मीटिंग, जॉब वर्क दाम बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। जी हाँ, ये खबर है सूरत की। सूरत में कोयला, केमिकल, डाई सहित के दामों में बढ़ोतरी से परेशान मिल मालिक का गत एक साल में मिल मालिक कोयला, केमिकल, डाई सहित दामों में लगातार वृद्धि की समस्या को परेशान है। दाम वृद्धि व्यापारियों के पास से ली जाए या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए बुधवार को SGTPA ने मीटिंग बुलाई है, जिससे सभी मुद्दों पर चर्चा कर दाम बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जाएगा। साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रमुख जितेंद्र वखारिया ने बताया कि गत एक माह में प्रिंटिंग के दाम में 25% ओखली जरी में 18 से 25%, हाइड्रो में 30% और कोयला में 30% की वृद्धि हुई है। क्योंकि कोयला के दाम पहले 8,000 थे, जो फिलहाल 10,500 प्रति टन तक पहुंच गए हैं। वहीं रॉ मटेरियल के दामों में लगातार वृद्धि के कारण मिल मालिकों को तो भाव वृद्धि करने की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण सभी मुद्दों पर चर्चा करने बुधवार को मीटिंग का आयोजन किया है। पांडेसरा एसोसिएशन के प्रमुख कमल विजय तुलसियान ने बताया कि चीन से आयात किए जाने वाले केमिकल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मिल मालिकों को जॉब वर्क के दामों में बढ़ोतरी नहीं किए जाए तो मिल को हमेशा के लिए ताला लगाने पड़ेंगे। इसी कारण चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। और गौरतलब है कि कपड़ा उद्योग में GST, आयात ड्यूटी, कोरोना जैसे मुद्दे पर कपड़ा उद्योग, इसमें विशेषकर डाइंग प्रोसेसिंग इकाई पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है।